दोस्तों, वेलकम टू माय किचन लजीज बाइट। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही फेमस डिज़र्ट जिसका नाम है काजू बर्फी, जिसे काजू कतली भी कहते हैं। और ये देखिए हमारी काजू कतली, इसे हम बाजार जैसे बनाएंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की रिसेंट अपडेट मिलती रहे। आइए दोस्तों, हम बनाने स्टार्ट करते हैं। काजू बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप काजू। इसी के साथ हमने यहाँ पे यूज़ किया है 1/2 कप बादाम। ये एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट्स है जो हलवाई यूज़ करते हैं। मैंने यूज़ किया है यहाँ पे 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी। 1 टेबलस्पून हमने यूज़ किया है देसी घी। और हमें चाहिए थोड़ा सा पानी। हम यहाँ पे जितना काजू यूज़ करेंगे उसका आधा चीनी और उसका आधा हमें पानी यूज़ करना है। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, एक पैन को गर्म करना है। पैन जब हमारी गर्म होती है तो मूँगफली को इसमें रोस्ट कर लेना है। मूंगफली को आप खास ख्याल रखें, हमें लो फ्लेम पे रोस्ट करना है और ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है। इसमें ना तो हमने कोई घी यूज़ किया है ना तो तेल यूज़ किया है इसको रोस्ट करने के लिए। हमें जस्ट इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसे कंटिन्यूस स्टेयर करते रहें। इसे हमें बस थोड़ी ही देर फ्राई करना है। और ये देख सकते हैं आप, इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो गया है फ्राई करते हुए। मूंगफली के जो छिलके हैं वो जब निकलने लगेंगे तब तक हमें इसे थोड़ा देर फ्राई करना है, लगभग 1 से 2 मिनट। आप लो फ्लेम पे इसी तरह से फ्राई करें। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, फ्राई करते हुए हमारे यहाँ पे मूंगफली के जो दाने हैं वो अपने छिलके छोड़ने लगे हैं। ये देखिए किस तरह से छिलके छोड़ चुके हैं। तो इसी तरह हमें लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। इसे बिल्कुल ही आप हाई फ्लेम पे फ्राई ना करें, वरना ये बादाम जल सकते हैं, फिर काजू कतली का टेस्ट जो है बिगड़ जाएगा। आइए सब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस तरह का एक टॉवल का यूज़ किया है। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा यूज़ करें। और इसमें हमें बादाम को निकाल लेना है और इसे हमें कपड़े से इस तरह से रब करते हुए इसके सारे स्किन को हमें अच्छे से निकाल देना है। हर एक बादाम के स्किन को हमें अच्छे से निकाल देना है, तो इस प्रोसेस को आप अच्छे से करें। ये देखिए किस तरह से मैक्सिमम बादाम के जो छिलके हैं निकल चुके हैं, तो इन्हें हम साइड कर लेते हैं। और जो बादाम के छिलके नहीं निकले हैं वो इस तरह से उंगलियों से मसलते हुए आप उनको अच्छे से निकाल दें। फ्रेंड्स, काजू बर्फी बनाना बहुत इजी है। आप चाहे तो टोटली यहाँ पे काजू का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए सभी बादाम के छिलके निकल गए हैं। इसी तरह से हमें सभी बादाम के छिलकों को निकाल लेना है। तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। काजू बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका पाउडर बनाएंगे काजू और बादाम का, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ग्राइंडिंग जार लिया है। इसमें मैं काजू ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ इसमें हमें मूंगफली को ऐड करना है जो हमने ड्राई रोस्ट करके रेडी कर लिया है। और इसके लीड को हम क्लोज करके एक अच्छा सा फाइन पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है। स्पून की हेल्प से आप इसमें अच्छे से चेक कर लें, इसमें एक भी काजू के टुकड़े या मूंगफली के टुकड़े नहीं रहने चाहिए। ये पाउडर जो हमें बिल्कुल ही फाइन पाउडर बनाना है। तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे चाशनी बनाने के लिए जितना पानी और चीनी लिया था उसको एक पैन में डाल दिया है। इसे हमें पकाते हुए बस एक तार की चाशनी बनानी है, तो इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे। और ये देखिए दोस्तों, कुछ देर बाद हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं अपनी उंगलियों के बीच में, तो हमारी एक तार की चाशनी बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तार बन रहे हैं। काजू बर्फी बनाने के लिए इससे ज़्यादा चाशनी को पकाने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आइए इसमें अब हम रेडी किए हुए मिक्सर को ऐड कर देते हैं। और ये देखिए, हमने यहाँ पर मूँगफली और जो काजू का पाउडर बनाकर रेडी किया है इसे हम इसमें डाल दिए। और इसे हमें स्पैटुला की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स, इस बात का आप खास ख्याल रखें कि इसे मिलाते हुए हमें कंटिन्यूस इसे स्टेयर करते रहना होगा। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। आप अपने हाथों को हिलाते रहें, इसे मिक्स करते करते हुए एक अच्छा सा टेक्सचर आएगा जो कि एक लिक्विड टाइप में दिखेगा आपको। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे। तो हमें इसी तरह से इसे एकदम मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे हमारा जो मिश्रण है बहुत अच्छे से मिल गया है चाशनी में। बस कुछ बातों का स्पेशल हमें ध्यान रखना है काजू बर्फी बनाने में। ये इस पेस्ट को मिलाते हुए हमें इस मिश्रण को चीनी की चाशनी में अच्छे से स्टेयर करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। लम्स फ्री हमें यहाँ पे पेस्ट बनाकर रेडी करना है। ये देखिए किस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप इसे मिक्स कर लें। और ये देखिए, मिक्स करते हुए यहाँ पे हमारा जो पाउडर है बहुत अच्छे से चीनी की चाशनी में मिक्स हो गया है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रह गए हैं। फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है, इस बात का ख्याल रखें। लो फ्लेम पे सारे प्रोसेस को हमें करना है।
अब इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून घी जो हमने लिया था, थोड़ा सा घी हम बचा लेंगे। और ये देखिए घी डालने के बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और आप नोटिस कर सकते हैं कि जैसे ही हम इसमें घी ऐड कर रहे हैं, ये जो मिश्रण है वो हमारे पैन को छोड़ने लगा है। इसी तरह से इसे हमें अभी और थोड़ी देर पकाना है, ये कम्प्लीटली हमारे पैन को छोड़ने लगेगा, बिल्कुल भी पैन में नहीं चिपकेगा। तो इसे इस तरह से मिलाते रहें। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस से आप किसी भी फेस्टिवल में काजू बर्फी बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन भी जाती है। इस वीडियो में हमने बहुत ही ईजी मेथड का यूज़ किया है काजू बर्फी बनाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे हमारा जो टेक्सचर है कितने अच्छे से मिक्स हो गया, और आप नोटिस कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ही पैन से नहीं चिपक रहा है। तो ये अब बन गया है। आइए इसे अब हम चेक कर लेते हैं कि ये रेडी हुआ है कि नहीं। चेक करने के लिए थोड़ा सा हम इसमें से एक पार्ट उठाएंगे और अपने हाथों में इस तरह से उसे गोल या कुछ भी शेप देंगे। अगर वो शेप में आ जाता है, इसका मतलब कि हमारा ये जो मिश्रण है बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है काजू बर्फी बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे राउंड शेप दिया है, इसका मतलब हमारा ये जो मिश्रण है बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। तो आइए इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। दोस्तों, प्लेट में निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक प्लेट को अच्छे से घी से ग्रीस करना है। मैंने यहाँ पे जो घी थोड़ा सा बचाया था उससे मैं अच्छे से इसे ग्रीस कर दी हूँ। और इस प्लेट में हमें इस मिश्रण को अच्छे से डाल लेना है। इस वीडियो में मैंने कुछ जो ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ आपके साथ, उस बात का आप खास ख्याल रखें, बनाते हुए आपकी बिल्कुल ही परफेक्ट बाजार जैसी काजू बर्फी बनकर रेडी हो जाएगी। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पैन में से अच्छे से सभी काजू के जो पेस्ट हैं उसे निकाल लिया है। और इसे स्पैटुला की हेल्प से धीरे धीरे आप इस तरह से हिलाते रहें ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। हमें इस पेस्ट को ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हमें हल्का ठंडा करना है ताकि हम अपने हाथों से इसे अच्छे से शेप दे सकें। अगर ये पूरा ठंडा हो जाएगा तो फिर हमें काजू बर्फी बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इसे पूरा ठंडा हमें नहीं करना है। इस स्पैटुला से इसे आप इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से करते हुए थोड़ा सा ठंडा कर ले दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो मिश्रण है वो थोड़ा ठंडा हो गया है। इस स्टेज पे मैं इसे अच्छे से शेप दे सकती हूँ। तो अब मैं इसे अपने हाथों की हेल्प से अच्छे से मिला ले रही हूँ। इसे अच्छा से हम चिकना कर लेंगे। और इसके बाद आइए मैं आपको एक और सिंपल ट्रिक दिखाती हूँ। इसे बनाने के लिए हमें एल्युमिनियम फॉइल या बटर पेपर की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बिना हम नहीं बना सकते। मैंने इस तरह का प्लास्टिक का यूज़ किया है। इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। दोस्तों, ये इस तरह का प्लास्टिक सभी के घरों में अवेलेबल होती है, तो इसे हमें थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेना है। इस पर अगर काजू बर्फी हम बनाते हैं तो वो एकदम ही चिपकेगी नहीं और बहुत ही आसानी से हमारी काजू बर्फी बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से अब हम इसमें हाथों से प्रेस करते हुए इसको एक शेप देंगे। इसे हमें रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप देना है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। तो फिर जो शेप है हमारे काजू बर्फी के थोड़ा अच्छे से कटेंगे। और बेलन की हेल्प से इसे हम जितना चौड़ा रखना चाहते हैं उस तरह से इसे अच्छे से बेल ले आप। ये देखिए, प्लास्टिक को घुमाकर मैं किस तरह से दोनों साइड से इसे बेल ले रही हूँ। इसे हल्के हाथों से आप बेलें, ज़्यादा इसे प्रेस ना करें। ये देखिए कितना अच्छा टेक्स्चर हमारा आ गया है। साइड से इस तरह से आप इसे परफेक्ट बना लें। ये देखिए किस तरह से मोटा है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोटा या पतला कर सकते हैं। दोस्तों, चारों साइड से इसके साइड्स को अच्छे से कर दें, जो ये टूटा हुआ है अच्छे से बना दें उसे। उसके बाद नाइफ की हेल्प से इसे आप अपने मनपसंद के हिसाब से शेप दे सकते हैं। नॉर्मली काजू बर्फी डायमंड शेप में होती है, तो यहाँ पे मैं डायमंड शेप में काजू बर्फी को शेप दे रही हूँ। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, काजू बर्फी बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही फेमस डिश है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप देख सकते हैं मैंने कितनी इजी ट्रिक से और घरेलू चीज़ों का यूज़ करके मैं इस रेसिपी को आज आपके सामने लेकर आई हूँ, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए, मैंने वन साइड से इसे अच्छे से 1 इंच से 1.5 इंच के शेप में मैंने कटिंग कर लिया है। और इसके बाद मैं इसे डायमंड शेप दे रही हूँ। फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज है लजीज बाइट के नाम से, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो अपने द्वारा बनाए हुए रेसिपीज़ को वहाँ पे हमारे साथ आप अपलोड करें, हमें टैग करके, हमें बहुत ही खुशी होगी। फ्रेंड्स, क्वांटिटी का पे खास ख्याल रखना होगा कि हमने यहाँ पे जितना काजू यूज़ किया है उसका आधा हम चीनी यूज़ करेंगे, और जितना चीनी यूज़ किया है उसका आधा हम यहाँ पे पानी यूज़ करेंगे। क्वांटिटी मेज़रमेंट का आप ख्याल रखें। कोई भी एक बर्तन कप लें, आप उससे ही सभी चीज़ों का मेज़रमेंट करें।
और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे सभी काजू बर्फी कटकर रेडी हो गए हैं। तो आइए इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। आज हमने इस वीडियो में हलवाई जैसी ट्रिक को फॉलो करके काजू बर्फी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। बादाम यूज़ करके हलवाई सभी बनाते हैं काजू बर्फी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने प्लेट में काजू बर्फी निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट काजू बर्फी हमारी बनकर रेडी हुई है। इसका टेक्स्चर कितना अच्छा हुआ है, इसकी जो चौड़ाई है परफेक्ट हुई है। और ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है जो बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगस्त की हमारी स्पेशल रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अब हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।